दलित महिला बेरोजगार समाज का हर एक और राहुल जी के साथ जननायक के साथ चल रहा है। आज पेपर लीक का मामला जो है राहुल जी ने उठाया, युवाओं की भर्ती का मामला, रोजगार का मामला राहुल जी ने उठाया। यूथ एक आशा भरी निगाहों से राहुल जी की तरफ देख रहा है कि बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है, एकमात्र नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज में पूरी तरह युवाओं पर केंद्रित रही है। युवाओं की समस्याओं पर उन्होंने युवाओं से बात किया है और उनके समाधान का रास्ता भी उन्हें बताया है। हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ यूथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे राहुल जी का ये नया अवतार कैसा है। आप देखिए, उमड़ा हुआ जनसैलाब आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि जो है युवाओं को कितना प्रभावित किया है। आप समझिए, समाज के हर एक वर्ग, दलित महिला बेरोजगार समाज का हर एक वर्ग राहुल जी के साथ, जननायक के साथ चल रहा है। राहुल जी का जो उमड़ा हुआ जनसैलाब था, आज पेपर लीक का मामला जो है राहुल जी ने उठाया, युवाओं की भर्ती का मामला, रोजगार का मामला राहुल जी ने उठाया। यूथ की तरफ बहुत कनेक्ट हुआ आपको लगता है? बिल्कुल, यूथ एक आशा भरी निगाहों से राहुल जी की तरफ देख रहा है और बड़ी संख्या में प्रयागराज और आसपास के युवा यहां एकत्रित थे। राहुल जी से उनको आशा है कि जो एक नैराश्य छाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं आ रही हैं लंबे समय से, एक भर्ती आरओ की परीक्षा भी पिछले दिनों हुई, उसका पेपर लीक हो गया, उस मुद्दे पर भी राहुल छात्र से बात जी एक छात्र से बात जी एक छात्र से बात की, वह भी परेशान है। पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसमें भी पेपर लीक हुआ है, उसने वो बात राहुल जी के साथ ऊपर उनके काफिले के समय बात करते हुए जन समुदाय को संबोधित करते हुए उसने रखी। जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, उससे आगे राहुल जी ने आरओ यारो का जो पेपर लीक हुआ है उस पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि संगम नगरी जो न्याय की नगरी है, उसमें अत्याचार युवाओं के साथ हो रहा है, ये बंद होना चाहिए और इसमें युवाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए इस लड़ाई में। युवाओं की जो मुख्य समस्याएं हैं, खासकर प्रतियोगी छात्रों की, रोजगार को लेकर के पूरा फोकस था उनका संवाद, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से राहुल फर्क पड़ेगा इससे कि बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है, एकमात्र नेता राहुल गांधी है जो युवाओं की, पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की, मजबूरों की आवाज बनकर उभरा हुआ है और सत्ता पर जिस तरह से दबाव डाल रहा है आप देख रहे हैं, चाहे वो ईडी के थ्रू हो, चाहे वो सीबीआई के थ्रू हो, जिस तरह से भी जो तंत्र उनको लगाना पड़ रहा है दबाने को। लेकिन राहुल गांधी का एक नारा है, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और प्रयागराज का युवा जो जनसैलाब में आज उनके समर्थन में उतरा, वो ये बता दिया कि प्रयागराज का युवा जो बेरोजगार है, जो मजबूर है, वो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़ा है। राहुल गांधी जी ने आह्वान भी किया युवाओं को और युवाओं ने भी उनको ये कहा कि हम उनके साथ उनकी लड़ाई में आगे आगे चलेंगे। कुछ और युवा है, उनसे बात करते हैं। कितना आप लोगों को कनेक्ट किया आज राहुल जी ने? देखिए, राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब इलाहाबाद में गुजरी तो इलाहाबाद के सभी नौजवानों से एक उम्मीद थी। जिस प्रकार लोक सेवा आयोग पर आरओ यारो का जो पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। युवाओं की समस्याएं, युवाओं की समस्या चुकी है, इलाहाबाद है, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वर्तमान समय में यहाँ दो तीन समस्याएं बहुत हिट हुई है, जिसमे एक आरओ यारो लोक सेवा आयोग द्वारा आज होने वाली परीक्षा है, उसका पेपर लीक हुआ। 24 घंटे पहले पेपर लीक हुआ और 2000 रुपए में पेपर ऑफर हुआ लड़कों को, और लड़के बार बार लोक सेवा आयोग जा रहे हैं, वहाँ कोई ठीक से बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। दूसरा मुद्दा, यहाँ पुलिस भर्ती में उसका भी पेपर लीक हुआ। सरकार, सबसे बड़ी दिक्कत है, सरकार लड़कों से साक्ष्य मांग रही है। यहाँ छात्रों का कहना है कि चूंकि हम जांच एजेंसी तो है, उम्मीद है राहुल जी की से कुछ नहीं, राहुल जी से लड़कों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। लड़के जब हर जगह से थक हार गए तो राहुल गांधी जी इसको से आज यहाँ ज्ञापन दिया गया और राहुल जी ने पूरी जोरदारी से बात उठाई युवाओं की। राहुल जी ने जो ऊर्जा दी है, उससे क्या बदलाव? बहुत 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 बड़ी उम्मीद है राहुल जी से। हमको उम्मीद है कि चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे यहाँ पे उनके विधानसभा के एक सदस्य हैं, ये सभी लोग अपने स्तर से, पार्टी के स्तर से युवाओं को, युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता से रखते हैं। राहुल की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जगह जगह जो कटआउट्स लगाए गए थे, उसमें भी उनका लुक पूरी तरीके से युवा था। युवाओं को ये चीजें कितनी पसंद की, बात करते हैं युवाओं से। यहाँ जो कटआउट लगे, बिल्कुल आप समझिए, जिस प्रकार से युवाओं का जनसैलाब, और किसी भी देश का, राष्ट्र का ऋण युवा होता है, जिस प्रकार युवाओं का जो है जनसैलाब और बुजुर्गों का समावेश देखने को मिला, ये प्योर छात्र। इतना अपील किया राहुल जी का पूरा आज का भाषण, छात्रों के साथ संवाद किया। जी जी, राहुल गांधी पूरी तरीके से छात्रों के साथ खड़े रहे हैं, राहुल गांधी सारे छात्रों की बात सुनी है, इतने कटआउट से, सारी कटआउट को राहुल गांधी खुद देख रहे थे और सबसे सारे छात्रों को उन्होंने इशारों के माध्यम से कह रहे थे कि मैं इस पर बात करूंगा। और राहुल गांधी यहाँ की जो छात्र पे जो छात्र संघ का मुद्दा है उसको भी उन्होंने उठाया है, और राहुल गांधी जो पेपर लीक की मामला है, जो आरओ यारो की है, जो इसमें यूपीपी का पेपर है जिसमें लगातार पेपर दोनों शिफ्ट के आउट हो रहे हैं, उसकी बात कही। उम्मीद बढ़ी है, बिल्कुल उम्मीद बढ़ी है। और राहुल गांधी
एक युवा नेता है और वो युवाओं की बात प्रखर रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो प्रयागराज में युवाओं का कहना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने उन्हें नया जोश दिया है, नई उम्मीद दी है, और खासकर जो प्रतियोगी छात्र हैं जिनके कई के परीक्षा के पेपर लीक हो गए हैं या भर्तियां नहीं आ रही हैं, उनके लिए एक नई ऊर्जा साबित होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।